नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूँ शिवराज सिंह। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स में भर्ती करवाया गया है। फिलहाल उनकी हालत स्थिर है और वो डॉक्टरों की निगरानी में है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई नेताओं ने मनमोहन सिंह के जल्द ठीक होने की कामना की है। पीएम मोदी ने ट्वीट कर लिखा, मैं डॉक्टर मनमोहन सिंह के अच्छे स्वास्थ्य और उनके जल्द ठीक होने की कामना करता हूं। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने एम्स पहुंचकर मनमोहन सिंह का हाल जाना है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एम्स के अधिकारियों ने कहा, 89 वर्षीय कांग्रेस नेता को बुखार की जाँच के लिए दिल्ली एम्स में भर्ती किया गया था। उनकी हालत स्थिर है। कांग्रेस पार्टी के एक सूत्र ने बताया कि 2 दिन पहले उन्हें बुखार आया था। बुखार आने के बाद वो कमजोरी महसूस कर रहे थे। ऐसे में डॉक्टरों की सलाह पर पूर्व पीएम को एम्स में भर्ती कराया गया है। वो डॉक्टरों की निगरानी में है और चिंता की कोई बात नहीं। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के एम्स में भर्ती होने के बाद कांग्रेस के कई नेताओं ने उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट कर लिखा, अस्पताल में भर्ती पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के बारे में जानकारी मिली। मैं उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं, वो जल्दी ठीक होकर घर आ जाएं। वहीं कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के पूर्ण और शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ ने ट्वीट कर लिखा, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के अस्वस्थ होने की जानकारी मिली है, ईश्वर से उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। बता दें कि मनमोहन सिंह इसी साल अप्रैल में कोरोना से भी संक्रमित हुए थे। इसके बाद उन्हें दिल्ली एम्स में भर्ती कराया गया था। उपचार के बाद उनको अस्पताल से छुट्टी मिली थी। पूर्व प्रधानमंत्री ने 4 मार्च और 3 अप्रैल को कोरोना के दोनों टीकों की खुराक ले ली है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।